हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से टॉप 10 न्यू ट्रिक्स जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रिक नंबर 1 से। और हमारे ट्रिक नंबर 1 को करने के लिए आपको चाहिए मैकलॉरन कार, और मैकलॉरन कार को आपको इस तरीके से पर गाड़ी को सेट करना है जिसके मैंने यहाँ पर सेट किया है। और यहाँ पर मैं आपको मैप पर भी लोकेशन अच्छे से दिखा देता हूँ। इस वाले जगह के पास आपको आना है, फिर इस तरीके से पर गाड़ी को सेट करना है। फिर आपको गाड़ी में यहाँ पर एंटर करना है, फिर यहाँ पे गेट आउट कर देना है। जैसे आप गेट आउट करोगे आप आ जाओगे इस तरह से ज़मीन के अंदर। फिर आप यहाँ पर क्राउच करके इजिली यहाँ पर कैंप वगैरह कर सकते हो, और बाहर से यहाँ पर आपको कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बैठकर आप इजिली अपने रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो, यहाँ पर सर्वे भी इजिली कर सकते हो। बाकी जब आपको बाहर निकालो यहाँ से आप इजिली इस तरह से बाहर भी निकल सकते हो। और अब मेरा फ्रेंड यहाँ पर अंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा भी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए आपको ना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है सोशल जोन में, फिर आपको जाना है शॉप के पास। तो यहाँ पर आपको एक स्नोबॉल बाय करना है, बस आपका काम यहाँ पर हो चुका है। फिर आपको कहीं पर भी आना है, और यहाँ पर आप ध्यान से देख लो, आपको पहले यहाँ पर स्नोबॉल पे, फिर आपको यहाँ पर रन पे, फिर यहाँ पे फायर पे टैप कर देना है। और जैसे आपका ये वाला ग्लिच हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर बस जॉयस्टिक का यूज़ करके इस तरीके से आपको चलना है। फिर आप बहुत ही फनी तरीके से यहाँ पर चल सकते हो, और आप चाहते हैं यहाँ पर रन भी कर सकते हो। रन करके भी हमारा बहुत ही पनी तरीके से रन यहाँ पर कर सकते हो, कैसे मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे ट्रिक नंबर 3 को करने के लिए भी आपको आना है एल्पाइन मैप में। तो एल्पाइन मैप में आपको आना है कैरोसेल के पास, यहाँ पर भी आप लोकेशन अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। राइट साइड में पानी है बट यहाँ पर पूरी ज़मीन है, मतलब यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बाइक सेट की है जबकि यहाँ पर पानी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर हमारी बाइक जो है इस तरह से, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर पानी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर पूरा ज़मीन के ऊपर भी फायर करोगे यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ पानी दिखाता है, यहाँ पर पानी उछल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। नीचे यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं है बट यहाँ पर पानी दिख रहा है। तो ये वाले ट्रिक आप फ्रेंड को दिखा सकते हो। चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारी इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहिए मैकलॉरन कार। यहाँ पर आपको आना फिर से एल्पाइन मैप में। तो कैरोसेल में इस वाले हाउस के नीचे आपको इस तरह से गाड़ी को ले जाना है। कैसे यहाँ पर गाड़ी को सेट करना है यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। और गाड़ी को इस तरह से सेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर गेट आउट पर टैप करना है। एंटर करके आपको गेट आउट नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर गेट आउट करना है। फिर आप यहाँ पर भी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हद तक ज़मीन के नीचे चले जाओगे। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी ना तो देख पाएगा ना तो आपको कोई यहाँ पर किल कर पाएगा। यहाँ पर बैठकर भी आप इजीली कैंप वगैरह कर सकते हो। और जब बाहर निकलना हो चाहे तो ड्राइव करो या तो यहाँ पर इस तरह से जॉयस्टिक से भी बाहर निकल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे इस वाले ट्रिक को करने के लिए भी आपको आना है एल्पाइन मैप में। वैसे आज की ज़्यादातर हमारी ट्रिक एल्पाइन मैप में ही हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको फिर से आना है कैरोसेल के पास, इस वाले हाउस के पास। आपको इस तरह से चढ़ना है सोफे के ऊपर, यहाँ पर बैठना नहीं है, पूरा इसके ऊपर जाना है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से फिर एम करना है, फिर यहाँ पे सिंपली जंप करना है। जैसे आप जंप करके यहाँ पर ग्रेनेड फेंकोगे आपका जो ग्रेनेड है पूरा ऊपर चला जाएगा। और अगर कभी भी ऊपर एनिमी होगा आप इस तरीके से यहाँ पर ग्रेनेड को कुक करके ऊपर फेंक सकते हो, जो भी ऊपर बंदा होगा वो यहाँ पर इजिली किल हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे नेक्स्ट वाले ट्रिक को करने के लिए आपको आना है यहाँ पर मिल के जिपलाइन के पास। और ये वाली ट्रिक बहुत, मतलब कम बार आप यूज़ कर सकते हो। कभी भी यहाँ पर अगर इस तरह से एयरशिप आती है यहाँ पर रुकती है जिपलाइन के बीच में, तो उस टाइम पे आप इजीली यहाँ पर इस जिप लाइन को यूज़ कर सकते हो। ऐसे ज़्यादातर ये ट्रिक नहीं हो सकता, आप मेरी भी वाली ट्रिक देखकर खुश हो सकते हो। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पूरा एयरशिप के ऊपर। यहाँ पर देखो, मतलब ऐसा पूरा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर पूरा हवा में बैठा हूँ। तो इस तरह से अगर कभी आपके पास भी इस तरह से आएगा इस जिप लाइन के पास एयरशिप, फिर आप भी इस तरह से जिप लाइन का यूज़ करके यहाँ पर इसके ऊपर आ सकते हो। बाकी यहाँ पर जब एयरशिप चले गई मुझे इसने बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया, पूरा मैं यहाँ पर नीचे भी आ गया और मुझे थोड़ा सा भी यहाँ पर डैमेज नहीं पड़ा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे इस वाले ट्रिक को करने के लिए आपको आना है शॉप के पास। एक्चुअली ये कोई ट्रिक नहीं है, नया अपडेट है, बट बहुत सारे लोगों को ये अभी भी पता नहीं है। तो शॉप में आपको ये नया वाला चीज़ देखने को मिल रहा होगा जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका कोई भी यहाँ पर नाम वगैरह है नहीं। तो कभी भी अगर शॉप के पास आओ, आपके पास टोकन हो, तो इस वाली चीज़ को ज़रूर बाय करना, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो जैसे इसको बाय करोगे फिर आपको मैप खोलें, यहाँ पर आपको ये दो मैप दिखेंगे इस तरह से क्रॉस करते हुए, और यहाँ पर ये रेड एम भी आपका दिखाएगा। तो जहाँ पर भी ये दिखाएगा आपको सिंपली इसके पीछे पीछे जाना है। जैसे कि इसके पीछे पीछे जाओगे यहाँ पर आपको एक एनिमी देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ आपको नहीं आपके पूरे स्क्वाड को दिखेगा। तो यहाँ पर आप इस वाले लोकेशन का यूज़ करके पूरा, मतलब इसके पीछे पीछे भाग सकते हो, एनिमी कहाँ पर है कहाँ जा रहा है सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे आप इसको किल करोगे ना यहाँ पर आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड क्या मिलेगा आप ऊपर अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर एफएफ टोकन मिल चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिर से अच्छे से यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। इस बार मैंने ये सेम ट्रिक को यूज़ किया है। तो मेरे पास पहले 1600 टोकन थे और अब मेरे पास यहाँ पर 2000 हो चुके हैं।
चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारे नेक्स्ट वाले ट्रिक को करने के लिए आपको आना है किसी भी बाइक के पास और आपको अपने साथ एक स्कोप वाला गन लाना है। तो फिर आपको इस ट्रिक से पहले स्कोप खोलना है, फिर आपको स्कोप पे और क्राउच पे एक साथ टैप कर देना है। और जैसे आप ये करोगे फिर आपको रन करना है और रन करने के बाद यहाँ पर जंप करना है इस ट्रिक से, और हवा में आपको यहाँ पर एंटर पे टैप कर देना है। और जैसे आप हवा में एंटर करोगे यहाँ पर देखो मेरा जो कैरेक्टर है कितना फनी तरीके से यहाँ पर मतलब गाड़ी के ऊपर बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्कोप खोल के बैठा हो, गन हाथ में लेके बैठा हो, बट यहाँ पर गन बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और इसी वाले सेम ट्रिक का यूज़ करके आपको फिर से यहाँ पर जंप करके ड्राइव करना है, फिर आपको जो करेक्टर है यहाँ पर हैंडल वगैरह को नहीं पकड़ेगा, पूरा मतलब गन की तरह ही यहाँ पर अपना एम रखेगा और यहाँ पर गाड़ी को चलाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त यहाँ पर दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक होने वाले है सीमेंटेड हाउस के पास, यहाँ पर बुल्सआई में, यहाँ पर आप लोकेशन अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार एनिमी ऊपर कैंप कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है कि कब नीचे से एनिमी आए और मैं वहाँ पर उसको टपका दूँ। तो आपको सिंपली ऊपर रश नहीं करना है, बस यहाँ पर ग्लोवा लगाना है, फिर आपको इसके ऊपर जाना है। और अगर बंदा यहीं पर है तो फिर आप यहाँ से भी इजिली उसको किल कर सकते हो, अगर यहाँ पर नहीं है फिर आपको ये वाला ट्रिक यूज़ करना है। तो यहाँ पर ग्लोवा सेट करने के बाद आपको इस तरीके से इसके ऊपर जाना है, फिर आपको ग्लोवा के ऊपर जाना है, फिर इस वाले हाउस के ऊपर आपको जंप करना है और फिर आपको और एक जंप करना है, फिर आप आ जाओगे पूरा हाउस के ऊपर और यहाँ से आप इजिली किसी भी एनिमी को किल कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। और हमारी लास्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना अल्पाइन मैप में कैरोसेल में, ये वाला लास्ट ट्रिक है, फिर से अल्पाइन में कोई ट्रिक नहीं दिखाऊंगा। तो पानी की गाड़ी के पीछे इस तरह से बैठना है, फिर अपने फ्रेंड को बोला है वो इस तरह से गाड़ी को पीछे लाए, और जैसे वो गाड़ी को पीछे लाएगा पूरा आपको सेंटर में बैठना है, फिर आपको पहले स्केट बोर्ड यूज़ करना है, फिर हमें जल्दी से रन पर टैप कर देना है। अगर आपका ट्रिक नहीं हुआ आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर टैप करना है स्केट बोर्ड पर, रन पे स्केट बोर्ड पर रन पर आपको टैप टैप करते रहना है, फिर आपका ये वाला ग्लिच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पूरा पानी के नीचे, जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो फ्रेंड है मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में यहाँ पर रन कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एयर ड्रॉप भी मंगाया था, आप देख सकते हो कितना मस्त तरीके से हमारा यहाँ पर एयर ड्रॉप भी हवा में अटक चुका है। और यहाँ पर मैंने बहुत और सारी भी चीज़ें की थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी जलाई थी, बट आप किसी को भी नहीं मार सकते, ना ही आप गाड़ी जला सकते, मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर गाड़ी जलाई थी। वो जली हुई गाड़ी भी यहाँ पर पूरी हवा में है जैसे आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर मतलब और एक ट्रिक हो चुका था, जब मैं यहाँ पर नॉक हुआ था ना, मैं यहाँ पर रिवाइव हो रहा था, नॉक हो रहा था, पता नहीं कैसे मेरा फ्रेंड भी यहाँ पर नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो, बट मैं यहाँ पर रिवाइव हो रहा था, किल हो रहा था, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई लाइट वाली ट्रेनिंग ग्राउंड में, वो मैंने कैसे किया है यही आपको कमेंट में बोलना है। बाकी यही था वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।